नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं नीतू शर्मा। बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा सातवीं के दूसरी इकाई से पाठ क्रमांक 6 चंदा मामा की जय इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। इस पाठ के लेखक हैं मंगल सक्सेना। बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले हम लेखक के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। लेखक मंगल सक्सेना का जन्म 1936 राजस्थान के बीकानेर में हुआ। इनकी मृत्यु जुलाई 2016 में हुई। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, उन्हीं रचनाओं में से एक रचना यहाँ पर दी हुई है, मैं तुम्हारा स्वर आदि। इनका परिचय कुछ इस प्रकार से है। मंगल सक्सेना जी कवि, नाट्य निर्देशक, राजस्थान साहित्य अकादमी के सचिव के रूप में प्रसिद्ध थे। आपने हिंदी निर्मिति में अच्छा योगदान दिया है। बच्चों, आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं वह एक एकांकी है। इस प्रसिद्ध एकांकी में लेखक ने शांति प्रियता, बड़ों का आदर, छोटों से प्यार, बुरी आदतों को त्यागने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी एकांकी की ओर। इस एकांकी में आए हुए पात्र इस प्रकार हैं। सुनील आयु 8 वर्ष, अनिल आयु 5 वर्ष, चार बच्चे प्रत्येक की आयु 3 से 5 वर्ष, रात रानी आयु 13 वर्ष, नींद परी आयु 11 वर्ष, चंदा मामा आयु 14 वर्ष, दो तारे आयु प्रत्येक 9 वर्ष, तीन पहरेदार आयु 10 से 12 वर्ष, समय अर्धरात्रि, स्थान बादलों के देश में। रात रानी काली पोशाक में बैठी है। सामने टेबल पर हथौड़ी है, पीछे सेविका पंखा झल रही है। नींद परी के दोनों ओर एक एक तारा खड़ा है, उनके हाथ में तारे की झंडी है। एक ओर नींद परी हल्की नीली पोशाक, ढीली ढाली बाहों वाला लंबा चोंगा पहने खड़ी है। वहीं पांच बच्चे एक ही बेंच पर ऊँगते से बैठे हैं। सबसे छोटा बच्चा ऊँग रहा है। सुनील अलग कुर्सी पर बैठा है। पर्दा उठता है। नींद परी, ये रोने वाले बच्चे हैं, विशेषकर यह अनिल। खड़े हो जाओ। अनिल खड़ा हो जाता है। रात रानी डांटकर, तुम क्यों रोते हो। अनिल और जोर से रोने लगता है। सभी जोर से रोने लगते हैं। अरे चुप हो जाओ। नींद परी, इन्हें किसी तरह चुप कराओ ताकि कार्रवाई चालू की जाए। अब बच्चों, यहाँ पर पर्दा उठता है। नींद परी शिकायत करती है कि ये जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं सभी रोने वाले हैं, और उनमें विशेषकर यानी सबसे ज़्यादा रोने वाला कौन है, अनिल। अब वो अनिल को कहती है कि खड़े हो जाओ। तब रात रानी उसे डांटकर पूछती है, तुम क्यों रोते हो। इतना सुनकर अनिल और ज़ोर से रोने लगता है, और जो बाकी बच्चे बैठे हैं वे भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। तब रात रानी गुस्से से कहती है, नींद परी, इन्हें किसी तरह चुप कराओ ताकि वह आगे की कार्रवाई चालू कर सके। कार्रवाई मतलब होता है बच्चों सभा आदि में हुए कुछ काम की कार्रवाई करना, यानी प्रोसीडिंग करना। नींद परी और यह सुनील, यह घर में चाय की कप प्लेटें तोड़कर और अपनी माँ से पिटकर सोया था। रात रानी, इन्हें अपराध के अनुसार दंड देंगे। सुनील से, तुम्हें सफाई देनी होगी, समझे, नहीं तो सजा दी जाएगी। नींद परी, यह अपनी माँ का कहना नहीं मानता, खाने के समय खाना नहीं खाता, यह खेलने के समय खेलता नहीं, पढ़ने के समय पढ़ता नहीं, कोई काम समय पर नहीं करता। रात रानी, जवाब दो। सुनील भोलेपन से, अच्छे बच्चे बड़ों को जवाब नहीं देते, इसीलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। अब बच्चों, इस परिच्छेद में हम देखते हैं जो रात रानी है वह बच्चों की कंप्लेन कर रही है, विशेषकर सुनील की। वह बताती है कि सुनील घर पर चाय की कप प्लेट तोड़ा था और इसीलिए इसकी माँ ने इसे पीटा और यह मार खाकर सो गया। तब रात रानी सुनील से कहती है,
उसे उसके अपराध के अनुसार दंड देंगे। अपराध यानी जो भी उसने गलती की है उसके अनुसार उसे दंड यानी कि पनिशमेंट देंगे। और राजरानी सुनील से कहती है, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना होगा, नहीं तो सजा दी जाएगी। फिर नींदपरी आगे कहते हैं कि अपनी माँ का कहना भी नहीं मानता, यानी ये जो सुनील है वह अपनी माँ का कहना भी नहीं मानता, अपनी माँ की बात भी नहीं मानता। खाने के समय खाता नहीं है, खेलने के समय खेलता नहीं है और पढ़ाई के समय पढ़ाई नहीं करता, मतलब वो कोई भी काम समय पर नहीं करता। तब रातरानी सुनील से जवाब मांगती है कि जवाब दो, और सुनील बड़े ही भोलेपन से कहता है, अच्छे बच्चे बड़ों को जवाब नहीं देते, इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। आगे नींदपरी कहती है, यह बड़ों को तू कहता है, उनका आदर नहीं करता, दूसरों को पीटता है। सुनील, अच्छा मैंने आपको तू कहा क्या, मैंने आपको पीटा क्या, ये तो जुट्टी मुट्टी कहती है। रातरानी, देखो तुमने इन्हें कहती है कहा, जबकि तुम्हें कहना चाहिए था कहती है। गुस्से से, तुम बड़ों का मजाक उड़ाते हो, हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। तभी अनिल रो पड़ता है, सब बच्चे चौंक कर उधर देखते हैं और सभी गला फाड़ कर रो पड़ते हैं। क्यों रोते हो, चुप रहो, रात गुस्से से कांपने लगती है। अब बच्चों यहाँ पर नींदपरी सुनील की और कंप्लेंट बता रही है कि यह बड़ों को तू कहता है, उनका आदर नहीं करता, आदर यानी उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता, उन्हें सम्मान नहीं देता और दूसरों को पीटता है, पीटना यानी मारना, दूसरे बच्चों को मारता है पीटता है। इस तरह से नींदपरी कहती है। उतने में सुनील कहता है कि अच्छा मैंने आपको तू कहा क्या, मैंने आपको पीटा क्या, आप तो झूठ कहती हो। सुनील नींदपरी से आर्ग्यूमेंट करने लगता है और कहता है, मैंने कब आपको मारा पीटा और कब आपको तू कहा। तब रातरानी उसे समझाती है कि देखो तुमने कहती हो कहा, जबकि तुम्हें क्या कहना चाहिए था, कहती है, तुम बड़ों का मजाक उड़ाते हो। रातरानी सुनील से कहती है कि तुम बड़ों का मजाक उड़ाते हो, तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे, मतलब तुम बड़ों के रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, उन्हें सम्मान नहीं दे रहे हो, इसके लिए तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। तभी अनिल रो पड़ता है और सब बच्चे चौंक कर उधर देखते हैं और सभी जोर से गला फाड़ कर रोने लगते हैं। बच्चों गला फाड़ कर रोना यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ है जोर जोर से रोना। सभी बच्चे जोर जोर से गला फाड़ कर रोने लगते हैं। तब रात गुस्से में, क्यों रोते हो, वह चिल्ला कर कहती है, चुप रहो। रातरानी को बहुत गुस्सा आता है कि सारे बच्चे गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हैं। रातरानी गुस्से से कांपने लगती है और उन्हें डांटती है। अनिल कहता है, सुनील भैया को कड़ी सजा मत दो। रोने लगता है, उसके साथ सब बच्चे रोने लगते हैं। रातरानी, अच्छा अच्छा कड़ी सजा नहीं देंगे, चुप हो जाओ। अनिल तुम सबसे अधिक रोते हो, क्यों? अनिल, रोने से खाने को लड्डू मिलते हैं, सब हंस पड़ते हैं। रातरानी, हम तुम्हारी माँ को कहेंगी कि रोने पर तुम्हें डांटा करें, तुम्हारी बात न माना करें। अनिल, तब मैं और जोर जोर से रोऊंगा। सुनील, रोने से हमको पताशे मिलते हैं, इसीलिए हम रोते हैं। रातरानी, यह बुरी बात है, हमेशा तुम्हें रोने पर बताशे नहीं मिलेंगे। सुनील रुआस होकर, अब क्षमा करें, मैं अब कभी कोई शैतानी नहीं करूंगा। अब बच्चों यहाँ पर अनिल है वह सुनील की सिफारिश करते हुए रातरानी से कहता है कि आप सुनील भैया को कड़ी सजा मत दो, पर रोने लगता है और उसे देखकर सभी बच्चे रोने लगते हैं। तब रातरानी कहती है कि ठीक है मैं उसे कड़ी सजा नहीं दूंगी, लेकिन तुम यह बताओ कि तुम इतना रोते क्यों हो। तब अनिल उत्तर देता है और कहता है कि रोने से उसे खाने को लड्डू मिलते हैं। है ना बच्चों, छोटे बच्चे जब रोते हैं तो उन्हें कुछ मीठा देकर, जैसे कि अभी के जो छोटे बच्चे हैं उन्हें हम चॉकलेट दे देते हैं या फिर जो भी उन्हें पसंद है, लड्डू बताशे मीठी चीज़ कुछ पसंद है तो वो देख के चुप करा देते हैं। तो इसीलिए अनिल कहता है कि वो इसलिए रोता है कि रोने से उसे खाने को लड्डू मिलते हैं। तो रातरानी कहती है, ये तो गलत बात है, मैं तुम्हारी माँ से कहूँगी कि वो तुम्हें डांटा करे और तुम्हारी कोई बात भी ना माने।
इतना सुनकर अनिल कहता है, तब मैं और जोर जोर से रोऊंगा। फिर सुनील भी कहता है कि हाँ, जब हम रोते हैं तो हमें बताशे मिलते हैं, इसीलिए तो हम रोते हैं। बताशे बच्चों एक प्रकार की मिठाई होती है जो कि शक्कर से बनी होती है। तब रातरानी कहती है, यह तो बुरी बात है, हमेशा तुम्हें रोने पर बताशे नहीं मिलेंगे। सही बात है ना बच्चों, हर बार रोने पर मीठा लड्डू या बताशे नहीं मिलते। तो रातरानी ये समझाती है कि ये तो गलत बात है और ये बुरी बात भी है कि हम खाने पीने के लालच में हम इस तरह से बड़ों को परेशान नहीं करना चाहिए। तब सुनील कहता है थोड़ा रुआसू होकर, रुआसू मतलब थोड़ा रोने जैसा होकर, कहता है कि अच्छा ठीक है, आप हमें क्षमा करें, क्षमा यानी आप हमें माफ़ करें, अब हम कभी भी कोई शैतानी नहीं करेंगे। आगे अनिल कहता है, हम कभी नहीं रोएंगे, परंतु सुनील भैया को सज़ा न दी जाए, इन्हें सज़ा मत दे। रातरानी हथौड़ी पीटकर, शांति शांति, शोर मत करो। इतने में चंदा मामा आते हैं। निंदपरी, चंदा मामा आप? रातरानी, चंदा मामा? खड़ी हो जाती है, सब खड़े हो जाते हैं। सब बच्चे खुशी से तालियां पीटकर, चंदा मामा आ गए, चंदा मामा आ गए, चंदा मामा जय हिंद, चंदा मामा जय हिंद, मेरे बच्चों जय हिंद। रातरानी, तुम बच्चों पर अन्याय कर रही हो। अब बच्चों यहाँ पर इस परिषद में हम देखते हैं कि अनिल रातरानी से फिर से सिफारिश करता है कि आप सुनील भैया को सज़ा मत दो, अब हम कभी कोई शैतानी नहीं करेंगे, हम रोएंगे भी नहीं। वह रातरानी से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि आप सुनील भैया को सज़ा मत दो, हम अपनी सारी गलतियाँ सुधार लेंगे। रातरानी हथौड़ा पीट कर सबको शांत रहने के लिए कहती है। उतने में चंदा मामा आ जाते हैं और चंदा मामा को देखकर सब चौंक जाते हैं। रातरानी भी खड़ी हो जाती है, सब बच्चे खड़े हो जाते हैं और सभी बच्चे खुशी से तालियां पीटते हैं। चंदा मामा को देखकर सब बच्चे खुश हो जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, चंदा मामा आ गए, चंदा मामा आ गए, और जय हिंद के नारे गूंजने लगते हैं। चंदा मामा आते हैं और बच्चों को जय हिंद कहते हैं। चंदा मामा रातरानी से कहते हैं कि रातरानी, तुम इन बच्चों पर अन्याय कर रही हो, यानी इन बच्चों के साथ गलत कर रही हो, अन्याय कर रही हो। अन्याय का अर्थ होता है बच्चों इनजस्टिस, यानी कि न्याय रहित, तुम बच्चों के साथ गलत कर रही हो। ऐसा चंदा मामा रातरानी से कहते हैं। आगे रातरानी डरकर, कैसा अन्याय मामा जी? चंदा मामा, एक व्यक्ति में अगर गुण अधिक हो और बुरी आदतें कम हो तो उसे क्षमा कर दिया जाता है। रातरानी क्रोध से, नींद परी तुमने हमें इनके गुण नहीं बताए क्यों? चंदा मामा, यह तो बुरी बात है, किसी की बुराई के साथ साथ उसकी अच्छाई को भी ढूंढना चाहिए। यह सुनील अपनों से छोटे बच्चों को कभी नहीं पीटता, उन्हें प्यार करता है। ये बच्चे अपनों से बड़ों का कहना मानते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उनका आदर करते हैं, आपस में भी कभी नहीं झगड़ते। अब बच्चों जब चंदा मामा आ जाते हैं और चंदा मामा रातरानी से कहते हैं कि तुम इन बच्चों के साथ गलत कर रही हो, अन्याय कर रही हो, तब रातरानी चंदा मामा से बहुत डर कर कहती है कि कैसा अन्याय मामा जी? तब चंदा मामा बताते हैं कि एक व्यक्ति में यानी किसी में अगर अधिक गुण हो, यानी उसमें कुछ अच्छी बातें हों, तो कुछ बुरी आदतों को हमें क्षमा कर देना चाहिए, क्षमा यानी माफ़ कर देना चाहिए, है ना बच्चों? अगर किसी में बहुत सारे गुण हैं लेकिन कुछ बुरी आदतें भी हैं, तो कभी कभी इन छोटे आदतों को माफ़ कर दिया जाता है। तब रातरानी क्रोध से, मतलब बहुत गुस्से से नींद परी से कहती है कि नींद परी, तुमने हमें इन बच्चों के गुण के बारे में बताया नहीं, मतलब इनकी अच्छाइयों के बारे में तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। वह रातरानी नींद परी से गुस्से से कहती है कि तुमने इनकी बुराइयां मुझे बताई लेकिन उनके अच्छे गुण मुझे नहीं बताए, क्यों? तब चंदा मामा बहुत ही अच्छी तरह से समझाते हैं कि यह तो बहुत बुरी बात है, किसी की बुराई के साथ साथ उसकी अच्छाई को भी ढूंढना चाहिए। जी हाँ बच्चों, अगर हम किसी की बुराई देखते हैं, किसी में कोई बुराई है लेकिन हमें उस व्यक्ति की या उस बच्चे की अच्छाई को भी
ढूंढना चाहिए। अब चंदा मामा आगे कहते हैं कि यह जो सुनील है, यह अपने से छोटे बच्चों को कभी नहीं पीटता, उन्हें प्यार करता है। ये बच्चे अपने से बड़ों का कहना मानते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उनका आदर करते हैं, यानी उनका सम्मान करते हैं, आपस में भी कभी नहीं लड़ते झगड़ते। इस प्रकार से चंदा मामा ने उन बच्चों के अच्छाइयों के बारे में बताया कि ठीक है, ये बच्चे हैं, कभी कभी रोते हैं, मस्ती करते हैं, लेकिन इनमें अच्छाइयाँ भी तो हैं, जैसे कि वह बड़ों अपने से बच्चों को नहीं पीटते, उन्हें प्यार करते हैं और अपने से बड़ों का कहना भी मानते हैं। तो ये सारी जो अच्छी बातें हैं चंदा मामा ने बताई कि इनकी जो बुराइयाँ तो हैं, पर इनके साथ कुछ अच्छे गुण भी हैं इन बच्चों में। आगे रात रानी कहती है, सचमुच इनके ये गुण तो मैं अभी अभी देख चुकी हूँ नींद परी। रात रानी, ऐसे गुण वाले बच्चों को तो हमारे यहाँ सजा नहीं दी जा सकती। रात रानी, अगर ये बच्चे प्रतिज्ञा करें कि ये बुरी आदतें भी छोड़ देंगे तो इन्हें सजा नहीं दी जाएगी। सब बच्चे, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम छोटी बड़ी सभी बुरी आदतें छोड़ देंगे। रात रानी, सबको क्षमा किया जाता है। बच्चे खुशी से चंदा मामा की जय, चंदा मामा की जय का जयकारा लगाने लगते हैं। बच्चों, यहाँ हम देखते हैं कि जब चंदा मामा ने समझाया कि सभी में कुछ न कुछ अच्छे बुरे गुण होते हैं, लेकिन अगर किसी में बहुत ज़्यादा अच्छे गुण हैं, अच्छी आदतें हैं, तो उनकी एक आध बुरी आदतों को हमें माफ़ कर देना चाहिए। तब रात रानी यह बात समझती है और रात रानी कहती है कि हाँ, अभी अभी मैंने इन बच्चों के कुछ गुण देखे हैं। और नींद परी कहती है कि रात रानी, ऐसे गुण वाले बच्चों को तो हमारे यहाँ सज़ा नहीं मिलती। लेकिन तब रात रानी कहती है कि ठीक है, अगर ये बच्चे प्रतिज्ञा करें कि अपनी जो और भी जो छोटी मोटी बुरी आदतें हैं ये सब भी छोड़ देंगे तो इन्हें सज़ा नहीं दी जाएगी। प्रतिज्ञा यानी संकल्प, मतलब वो प्रॉमिस करें कि जो छोटी मोटी और भी जो बुरी आदतें हैं ये वो भी नहीं करेंगे तो इन्हें कोई सज़ा नहीं मिलेगी। तब सब बच्चे कहते हैं, एक साथ मिलकर कहते हैं कि ठीक है, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम छोटी बड़ी सभी बुरी आदतें छोड़ देंगे। सब बच्चे रात रानी से प्रॉमिस करते हैं और एक साथ कहते हैं कि ठीक है, अब जो भी हमें कमियां हैं हम उसे सुधारेंगे, हम अपनी बुरी आदतों को छोड़ देंगे। तब रात रानी सभी बच्चों को कहती है ठीक है, सबको क्षमा किया जाता है, क्षमा यानी सबको माफ़ कर दिया जाता है, जिससे सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और सभी चंदा मामा की जय, चंदा मामा की जय का जयकारा करने लगते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ का स्वाध्याय देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत लिखिए। पहला प्रश्न है, अनिल 5 वर्ष का बालक है, तो इसका उत्तर है सही। दूसरा प्रश्न है, सुनील इसका छोटा भाई है, तो ये उत्तर है गलत। तीसरा प्रश्न है, सुनील अनिल को मार पीट कर सोया था, तो ये उत्तर है गलत। चौथा प्रश्न है, अनिल सुनील को सजा दिलाना चाहता था, तो ये उत्तर है गलत। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, किसने किससे कहा। पहला वाक्य, यह अपनी माँ का कहना नहीं मानता, तो वाक्य किसने कहा, यह वाक्य नीम परी ने रात रानी से कहा। दूसरा प्रश्न है, अच्छे बच्चे बड़ों को जवाब नहीं देते, यह वाक्य किसने कहा, उत्तर है सुनील ने रात रानी से। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न है, हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे, तो यह वाक्य किसने कहा, रात रानी ने सुनील से कहा। अगला प्रश्न है, सबको क्षमा किया जाता है, तो ये वाक्य किसने कहा, रात रानी ने सभी बच्चों से कहा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के उत्तर एक शब्द में लिखिए, यानी कि वन वर्ड आंसर। पहला प्रश्न है, अनिल कैसा बच्चा था, तो इसका उत्तर है एक शब्द में, रोने वाला। दूसरा प्रश्न है, चाय की कप प्लेट किसने तोड़ी थी, इसका उत्तर है सुनील ने। तीसरा प्रश्न है, सभी बच्चे चांद को
क्या कहते हैं? इसका उत्तर है मामा। चौथा प्रश्न है, बच्चों पर अन्याय कौन कर रहा था? तो इसका उत्तर है रातरानी। अगला प्रश्न है व्याकरण विभाग से। कोष्टक में दिए गए विस्मयादि बोधक अव्यय से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब बच्चों यहाँ कोष्टक यानी कि ब्रैकेट में कुछ विस्मयादि बोधक अव्यय दिए गए हैं, ठीक है, जिनमें से हमें सही अव्यय शब्द चुनकर नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे कि यहाँ पर पहला रिक्त स्थान दिया है डैश चुप हो जाओ, तो इसमें उत्तर होगा अरे चुप हो जाओ। दूसरा है डैश चारों ओर कितनी गंदगी है, तो इसका उत्तर होगा छी छी चारों ओर कितनी गंदगी है। इसी प्रकार से तीसरा है पीछे गाड़ी आ रही है, खबरदार पीछे गाड़ी आ रही है। इसी प्रकार से चौथा है डैश तुमने तो कमाल कर दिया, तो इसका उत्तर होगा वाह तुमने तो कमाल कर दिया। अगला है डैश सिर में बहुत दर्द हो रहा है, तो इसका उत्तर होगा उफ सिर में बहुत दर्द हो रहा है। अगला है डैश मैं भी अच्छा गा सकता, तो इसका उत्तर होगा काश मैं भी अच्छा गा सकता। अगला प्रश्न है डैश सब्जियां कितनी महंगी हो गई हैं, तो इसका उत्तर है बाप रे सब्जियां कितनी महंगी हो गई हैं। आखिरी देखिए डैश आपने ठीक कहा, इसका उत्तर है जी आपने ठीक कहा। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों का लिंग पहचान कर लिखो। बच्चों अधिकतर हम लिंग में लिंग बदलते हैं, पर यहाँ ध्यान देना है आपको कि यहाँ हमें उन दिए हुए शब्दों का लिंग पहचान कर लिखना है। जैसे कि बच्चे, अब बच्चे कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग या पुरुष लिंग, ये हमें पहचानना है। तो यहाँ उत्तर है बच्चे पुलिंग। उसी प्रकार से कार्रवाई, कार्रवाई है स्त्रीलिंग। अपराध पुलिंग। सफाई स्त्रीलिंग। जवाब पुलिंग। आदर पुलिंग। शैतानी स्त्रीलिंग। लड्डू पुलिंग। तो देखा बच्चों आपने, चंदन मामा की जय इस एकांकी के माध्यम से लेखक मंगल सक्सेना हमें यही सीख देना चाहते हैं कि हमें हमेशा शांति प्रियता बनाए रखनी चाहिए, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए और अपने से छोटों को प्यार करना चाहिए। अगर उनसे कोई गलती होती है तो हमें उन्हें सुधारने का मौका देना चाहिए। और तो और अगर यदि कोई बुरी आदत है तो उस बुरी आदत को हमें तुरंत त्याग देना चाहिए। यहाँ बच्चों इस पाठ से हमें यही सीख मिलता है कि यदि हमारे अंदर कोई बुरी आदत है तो हमें उसे तुरंत त्याग देना चाहिए। बच्चों आशा करती हूँ आपको चंदन मामा की जय यह पाठ समझ आया होगा। बच्चों आप सभी से यह निवेदन है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद।